ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वस्थ रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करते हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं उन अच्छे और सही डॉक्टर से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना मेरी मजबूरी आ गई, क्योंकि मेरे पास ऐसे काफ़ी केस आए हैं जो कहते हैं हमारे बच्चे को जन्म से ही पीलिया था तो हमने उसको दवाइयाँ आदि दी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और मेरे पास कुछ जानकारियाँ ऐसी हैं तो मैंने कहा इसको बताया जाए, तो उन अच्छे डॉक्टर से मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन ये मैंने अपने दर्शकों के लिए उन डॉक्टरों के खिलाफ ही डॉक्टर वीडियो बनाया है जो कि बच्चों को पीलिया होने के नाम पर माता पिता को लूटते हैं और बच्चों को परेशान कर देते हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। मित्रों, नवजात शिशु में होने वाले पीलिया के खेल से जो डराया जा रहा है, हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं। मित्रों, नवजात बच्चों को वास्तव में पीलिया नहीं होता है। जन्म के समय बच्चे का लीवर सक्रिय नहीं होता है, जिसके कारण लाल रक्त कणिकाओं के टूटने से होने वाला बिलरुबिन रिसाव रक्त में मिलकर पीलापन पैदा कर देता है और 10 दिन में ये सामान्य हो जाता है। किसी किसी को इसको सामान्य होने में करीब 14-15 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन अधिकांश 10 दिन में ये पीलापन सामान्य हो जाता है। लेकिन इस बात को छिपाकर आजकल डॉक्टर डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल में इसका करोड़ों का व्यापार कर जाते हैं और लोगों को पता नहीं चलता है। अधिकांश बच्चे जो पीलिया का शिकार नहीं होते हैं और माँ बाप से पीलिया बताकर बच्चों के लिए कई बार बच्चों को कांच में रख दिया जाता है और भी ना जाने बहुत सारी चीज़ें की जाती है जिसमें बच्चा बहुत परेशान होता है। इसलिए हमें सावधानी के रूप में हम आपको बता रहे हैं। मित्रों, ये बात आपको थोड़ी अटपटी लगेगी कि भाई ऐसा भी होता है, पर ये हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। जब नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे जन्म लेते हैं तो 3rd से 5th दिन के बीच में उनकी देह में थोड़ा पीलापन दिखाई देता है, अर्थात बच्चों का जो शरीर है वो पीलापन ले लेता है। और 5वें-6 दिन में ये कई बार ज़्यादा होता है, किसी किसी को 7वें-8 दिन में भी ज़्यादा लगता है। अर्थात ये जो सारा खेल चलता है बच्चों के साथ, ये मतलब जो ये जो पीलापन जो होता है ये करीब 3rd से 4th दिन से लेकर ये करीब 10-15 दिन तक रहता है और उसके बाद बच्चे की त्वचा सामान्य गुलाबी रंगत पकने लगती है। लेकिन तब तक कई बार माता पिता या घर वाले डर जाते हैं, जिससे कई बार समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। बिलरुबिन का स्तर यदि 16 मिलीग्राम से ज़्यादा हो और तो हल्की फुल्की दवाओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके लिए भी कई बार बच्चों को हॉस्पिटल आदि में दाखिल रखना पड़े, ऐसी आवश्यकता नहीं होती है। पर यदि ऐसी भी स्थिति आपको लग रहा है तो उससे पहले आप एक काम करें कि जब आप बच्चे को घर में ले आएँ, सामान्य स्थिति में बच्चा है और आप उसको माँ का दूध बराबर माँ पिलाती रहे और साथ ही बच्चे को धूप का सेवन करवाएं। सुबह सुबह की जो ताजी धूप होती है, खिली खिली धूप होती है, जो नरम नरम धूप होती है, कोमल सी जो धूप होती है, वो बच्चे को उस धूप में बच्चे को करीब आप 10 मिनट से लेकर आधा घंटा, जैसा बच्चा है उस हिसाब से आप उसको, जैसी धूप है बच्चा नहीं जैसी धूप है उस अनुसार बच्चे को आप धूप में रख सकते हैं। ऐसा करने से ये धीरे धीरे अपने आप ही जो पीलापन है वो समाप्त हो जाता है और बच्चा सामान्य होने लगता है। और हाँ, अक्सर ये जो पीलिया होने का जो खतरा है वो अक्सर उन माताओं को अधिक होता है, उन माताओं के बच्चों को अधिक होता है जिन्होंने गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज़ या अधिक सर ये बुखार की दवा खाई हो, क्योंकि ये दवाएं ऐसी हैं जो नुकसान कई बार कर जाती हैं, लीवर को हानि कर जाती हैं, जिसका असर बच्चों पर भी होता है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि भाई जब डॉक्टर भी कई बार मना करते हैं, जो अच्छे डॉक्टर वो मना करते हैं कि जब आप गर्भवती हैं तो आप कोई भी दवा एक्स्ट्रा ना लें, वो आपके शिशु के लिए हानिकारक हो सकती है और वो आपके लिए तो हानिकारक है पर उससे ज़्यादा हानि आपके शिशु को होती है, इसलिए आप उस चीज़ से बचें तो अच्छा होगा। तो आप इस तरह से अपने बच्चे को सामान्य कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे मित्रों, कई बार जो डॉक्टर फंसाते हैं आप इस तरह फंसने से बच सकते हैं, क्योंकि सावधान आप नहीं रहेंगे तो आपको कोई भी फंसा सकता है। आपकी सावधानी हटना ही दुर्घटना को जन्म देता है। और जो बच्चा यदि शुरुआत में वो दवा खाता है तो कई बार वो इतना आदि हो जाता है दवा का कि वो हमेशा ही दवा खाता रहता है। और यदि आप अपने बच्चों को और रोगों से बचाना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट है बालयोग और उसके अलावा गर्भावस्था के कुछ वीडियोस और देखिए, वो हमने ये प्लेलिस्ट मेरी गर्भावस्था का अंक बनेगा ये जो वीडियो है, तो आप उन वीडियोज़ को देखिए, इससे आपको और बहुत सारी जानकारी मिलेगी तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। और साथ ही वीडियो विवरण के वीडियोज़ हैं, वहाँ नियम पालन प्राणायाम सब विस्तार से बताया हुआ है। जितना नियम पालन प्राणायाम माँ करेगी उतना ही बच्चे को सकारात्मक ऊर्जा और प्रभाव मिलेगा, तो बच्चे को आप उस चीज़ से बचा सकते हैं और बच्चे को स्वस्थ रख सकते हैं। और जो वीडियो विवरण के वीडियोस हैं उनमें मेरा नंबर भी है, लेकिन फोन करने से पहले उनका पालन करें, उसके बाद फोन करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि और भी प्लेलिस्ट है उनमें आप अपने रोग के अनुसार वीडियो देख सकते हैं। धातु रोग है, उसके अलावा सामान्य रोग है, राज रोग है, जटिल रोग, बहुत सारी प्लेलिस्ट हमने बनाई है परिवार समाज, आप उनमें वीडियोज देखिए और साथ ही वीडियो विवरण के वीडियोज, नियम पालन करिए, प्राणायाम करिए, आप संपूर्ण स्वस्थ होने घर में हो सकते हैं। और कोई प्रश्न है तो टिप्पणी वीडियो पर करें, जवाब आपको जल्दी मिल जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।